मुबारक हो। जरा मेहमानों से भी जरा थोड़ी सी अब चिट-चैट कर लें, उसके बाद हम जाबिर को बुलाएंगे और मजे मजे के गाने सुनने के लिए। सामिया, ईद वाले दिन तो नहीं कोई पेशेंट गोयों की जरूरत पड़ती? ईद वाले दिन कोई कुकिंग भी करती हो? क्योंकि बकरा ईद स्पेशली जो खवातीन की होती है वो किचन में गुजर रही है। मुझे कितना अच्छा जानती है, मैं गोश्त खाने वाली हूँ, बहन खाना बना लेंगी या जो स्टाफ बनाता तो है। करती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, का भी तो इतना ज्यादा काम होता है ना घर में। वो मेरा जरा दिल थोड़ा सा चिड़िया जैसे, मैं खून नहीं हूँ देख सकती होती, हिस्सा डालते हैं मतलब अपनी चीजें आ जाती हैं। मैं वैसे दानिश साहब की तरह शरारत सोच रही है दानिश साहब। मैं फ्रीजर में बिल्कुल कुछ स्टॉक नहीं करती। माइक दे दे इधर, वो शरारत सोच रही है डॉक्टर साहब को। कोई ये कह रही थी ना कि 3 दिन सिर्फ ये अपने फोन बंद करती है। मेरी इतलात यह है कि जिस दिन पेशिंग गोई का फाइनल डे होता है उसे फोन बंद होता है। ईद मुबारक इरशाद साहब आपको। मुबारक जी, खैर मुबारक। इरशाद साहब पहले तो ये जो गलत फहमी दूर कर देना, गाना गाते हैं क्या? ये भी डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे थे, अब सामिया भी कर रही है। चेहरे पे मत जाइए। जब शायर ये कहे किसी से कि जी कुछ हो जाए तो उसका मतलब मैं सुनाना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं। मेरा ख्याल इनका अपना शौक होगा। मैं जितना मैं सामिया को जानती हूँ, सामिया तो गाना नहीं गाती। मौसीकी पसंद करता हूँ। किस किस्म की? गजल, गीत, काफी, कवाली, हर तरह की, उर्दू, फारसी, सराकी। सही, लेकिन मिजाज है मौसीकी वाला। बात बिल्कुल सही कि डॉक्टर साहब ने कि चेहरे पे ना जाए, मिजाज अंदर से रंगीन है। जाबिर को बुलाते हैं एक बार फिर से आज। जाबिर प्लीज आइए और आज फिर मजे मजे के गाने सुनाइए हमें। जाबिर क्या सुना रहे हैं जी? अब मैं जो गाना सुनाने जा रहा हूँ उसकी एक बहुत ज्यादा फरमाइश की जा रही है मुझसे। लाइव ही ना गई, निभाई भी ना गई। प्लीज जबरदस्त। ओ सच्चा रब राखा मुंह मोड़ जान वाली है, सच्चा रब राखा मुंह मोड़ जान वाली है। दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वाली है, तोड़ जान। ओ दिल टूट के न जुड़े दोबारा, तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए, मुझे मिलते अमर तो तारा, तेरी मेरी आँख टूट गई। Oh,
एक बार फिर से खुश आमदीद दामिया फारूकी एक बार फिर से हमारे साथ हैं, जो दो बड़े मज़े के और अभी गाने सुनाने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा असद से बात कर लूँ, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं बैठे हुए। असद ईद मुबारक। थैंक यू शाजिया, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू असद। के तीन छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। असद, बच्चों वाले घरों में तो कुर्बानी की ईद का बड़ा मज़ा आता है, पहले ही चाहते हैं दो दो हफ्ते पहले, महीना महीना पहले बाबा हमें बकरे ला दें, हमने बड़ा इन्जॉय करना है। आपके घर में भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और शाजिया असल में यही फैसिनेशन है, अब जब बच्चों को खुश होता देख के, जब बाप को खुशी होती है, आपको ज़ाहिर खुद भी जानती हैं, तो बच्चों को खुश होता देख के जो खुशी मिलती है शायद वो अपने खुश होने से इतनी मिलती नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली ऐसा ही है, बकरा कब आएगा, गाय कब आएगी और बैल कब आएगा, तो ये सवाल शुरू हो जाते हैं और फिर मायूसी देखते हैं उनके चेहरे पर जब वो ज़िबा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये होता है, बच्चों की ज़ाहिर अटैचमेंट हो जाती है, तो ये तो डेफिनेटली है। तो कुर्बानी क्या हिसाब किताब होता है? सुबह सुबह या आप भी बिजी, कसाई को बुला लिया,
گوشت بنوا لیا, خود بانٹنے جاتے ہیں, کیا حساب کتاب؟ میں ہاں شازیہ, کچھ سال پہلے تک تو ہم یہ شغل خود کرتے تھے جب نوجوان ہوا کرتے تھے, تو سب کزنز اور دوست وغیرہ مل کے جو ہے وہ خود ہی قربانی کرتے تھے, قصائی کو زحمت نہیں دیتے تھے. لیکن جب سے اب وہ عمر ڈھل رہی ہے اور تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا ہے, تو تب سے جو ہے نا وہ قصائی کے آسرے پر آ چکے ہیں. اسد اللہ میرے برخوردار ہیں, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنے بزرگ کب سے ہو گئے کہ جب ہم ہوتے تھے اور عمر ڈھلتی جا رہی ہے بھائی. اسد یہ میں نے شاہ صاحب صرف اس لیے کہا تھا تاکہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ میں نے آپ سے سننے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب سے سننے کے لیے کہا تھا کہ آپ ایسا تعریف سننے کے لیے. دامیا کیا سنانے والی ہیں؟
मंगा सोनिया मैं तेरी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगती दुआ ना कोई होर मंगती नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगती तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगती नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगती 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 एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं कैसर को मैं बड़े देर से देख रही हूँ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कैसर ईद मुबारक खैर मुबारक जी आपको भी और तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक आज तो कहीं से कोई खबर नहीं आ गई कि वहाँ कोई गदा ज़िबा हो रहा है या कुछ हो रहा है नहीं एक्चुअली अभी तो मैं यहाँ पर हूँ और ईद का दिन नॉर्मली फैमिली के साथ ही होता है हमारी सोर्सेज हमें बताती है मुख्तलिफ जगहों पे लेकिन काफी अरसे से ईद वाले दिन अगर ऐसी कोई खबर आ जाए दौड़ जाओगे सब कुछ कैमरा पकड़ा डिपेंड करता है डिपेंड करता है नॉर्मली लेकिन एक काफी अरसे से खबर नहीं आ रही कि ऐसी कुछ चीज़ बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसी वजह से मामला भी काफी जो अच्छे एज फार एज टुडेज प्रोग्राम इज कंसर्न बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी क्योंकि नॉर्मली मेरा प्रोग्राम होता है मार धाड़ और छापे वगैरह इसलिए मैं देख रहा हूं बड़े मजे से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ऑब्वियसली तमाम सिंगर्स जितने भी हैं और ये सबसे बड़ी बात आपने बताया कि लाइव गाना इट्स नॉट इजी ये बहुत तो ये बड़ी एक बड़ा अच्छा इसलिए आज हमारे प्रोग्राम की स्पेशलिटी ये है कि जितने भी सिंगर सब लाइव गाने गा रहे हैं साईं ज़हूर एक बार फिर से हमारे साथ हैं साईं साहब क्या सुना रहे हैं हमें की सुना रहे हो सूफी कलाम मंजिल इश्क दी औखे पेंडे Thank you.
ਜਮੂਰੀ ਲਿਖਲੋਆ ਆਣ ਵਿੱਚ ਜਮੂਰੀ ਲਿਖਲੋਆ ਆਪ ਬੁਰਾ ਕੁੱਤੇ ਚੜੀ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਮਰਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਮੇਲਾ ਪਲ ਤੇ ਪਲ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪ ਛਾਤੇ ਤੇ ਚੜੀ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਮਰਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਪੀਰ ਮਨਾਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕਮਾਵੇ ਬੁਲਾਏ ਪੀਰ ਮਨਾਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕਮਾਵੇ ਬੁਲਾਏ ਪੀਰ ਮਨਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸਮਾਵੇ एक बार फिर से काशिफ अली हमारे साथ हैं। काशिफ आज हमें क्या सुना रहे हैं? एक बहुत खूबसूरत गजल सुना रहा हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना है। वाह जी वाह। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना।
मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला तरफ पाओगे शमा जो जलाई मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकी हो चला है मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम अफगान चले भी माशूक बने भी चेहरा है कभी दीवाना बैरा बैरा हो मक्तूल जिगनी कातिल है नजर एक माह जबी एक नूर नबी रब की रुमाई गरम सुराही बोली लाही अफगान चले भी माशूक बरे भी चेहरा है तेरा दीवाना बैरा बैरा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना बैरा बैरा निभाना बैरा बैरा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना बैरा बैरा आजे जी स्टेज पे आजे बैठने की तैयार है देख जरा सी खेल के बाजी काम का अब ठहरा न किसी काम का मीर का कोई शेर सुना के घूंट लगा के जम का मेरा खान महल नाम का
मोहब्बत तो कभी निभाना बेवा बेवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना बेवा बेवा अफगान चले भी माशूक बने भी चेहरा है तेरा दीवाना बेवा बेवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना बेवा बेवा चाह रहा इस मौसीकी की महफिल को ख़त्म करें लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये म्यूज़िक की जो मस्ती थी महफिल थी जो आप लोगों के लिए हमने सजाई थी आपके साथ मिलकर हमने दो दिन ईद मनाई है, मुझे उम्मीद है कि आपने भरपूर हमारे साथ मिलकर इंजॉय किया होगा। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।